कठिनाइयों का साहस लिए 6 सवारों की टीम ने महज 15 दिनों में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए स्पीति घाटी के सबसे साहसिक शीतकालीन अभियान में से एक को सफलतापूर्वक पूरा किया। गौरतलब है कि टाउनशिप के हृदय स्थल में स्वागत सम्मान डॉक्टर नम्रता सिंह का किया गया। डॉक्टर नम्रता सिंह सर्वाइकल कैंसर से होने वाले दुष्प्रभाव को बताते हुए सफलतम टीम के साथ 5000 किलोमीटर का सफर तय कर भिलाई पहुंची। यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए स्वागत सम्मान उनका विधिवत किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और दूर दराज के गांव में सैनिटरी पैड के वितरण पर संदेश फैलाने के लिए अंतिम मील तक पहुँचने के मिशन के साथ 8 राज्यों को कवर करते हुए एक उच्च ऑक्टेन तंत्रिका टूटने की सवारी की गई। डॉक्टर नम्रता सिंह ने अन्य पेशेवर सवारों के साथ मिलकर इस पहल का नेतृत्व किया। नारकंडा, नाको, ताबो, रिकांग, पियो, काजा के लोगों से बात की। उन्हें गंभीरता के बारे में समझाते हुए बताया कि महिलाओं को अपनी देखभाल करने की आवश्यकता है। भिलाई पहुंची डॉक्टर नम्रता ने अपने अनुभवों को साझा किया। जी, मैं ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर की अवेयरनेस करती हूं पूरे देश भर में मोटरसाइकिल से यात्रा कर। जी, ये मैंने संकल्प ले लिया है कि जीवन भर मैं इसकी अवेयरनेस करते रहूँगी, जागरूकता करती रहूँगी, क्योंकि जैसे देखिए पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर सबसे ज़्यादा लेडीज़ में होने वाला कैंसर है। सो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिसको रोका जा सकता है। तो जी, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक कि मैं इसकी जागरूकता करती रहूँगी। अनुभव इस बार के जो था वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो -30 तक गया था एंड रास्ते जो थे वो पूरे ही ख़राब थे। तो कोई भी रोड ऐसी नहीं थी कि बनी हुई थी, फिर लैंडस्लाइड्स का भी सामना करना पड़ा, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, आपके गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, आपको कहीं से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं हो पाती है, आपको वॉशरूम ठीक से नहीं मिलता, आपको ड्राई पीट मिलता, आपको पानी नहीं मिलता, बर्फ़ वाले पानी से आपको हाथ धोना पड़ता है, या नहा तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते, नहाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो इस यात्रा के दौरान 10 दिनों तक मैं नहा ही नहीं, 5 दिनों तक मैं ब्रश नहीं करी, इस हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। जी, संदेश एज अ बाइकर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब बाइक पे निकलते हैं तो वेल प्रिपेयर्ड होके निकलिए, पूरे राइडिंग गियर्स पहन के निकलिए एंड जहाँ कहीं भी जा रहे हो उस लोकेशन के बारे में अच्छे से जानिए, इसके बारे में लोगों से बातचीत करिए कि वहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, कि क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है। एंड दूसरा जो कैंसर अवेयरनेस है, मैं उसके प्रति भी लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ जागरूक रहिए, इस कैंसर से बचा जा सकता है, इसके बारे में जानिए एंड सतर्क रहे बिल्कुल। ये यात्रा जो है ये मैंने 17 दिसंबर को भिलाई से शुरू की थी। मैं अकेले भिलाई से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर नम्रता सिंह है एंड साथ में 5 राइडर्स और थे भिलाई से एंड 3 राइडर्स जो थे वो रांची से थे। सो जो राइडर्स नागपुर से थे उनके भी टीम है, टीम अपार, बटस राइडर्स, फिरंतु राइडर्स, इनके जो एडमिन्स हैं वो लोग साथ में गए थे, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। ये इस राइड के दौरान हमने सैनिटरी नैपकिन एंड मेंस्ट्रुअल कप भी जो है वो भी रिमोट एरियाज़ के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। सो इन जो राइडर्स का था, मेल राइडर्स का, इनका पूरा फुल सपोर्ट रहा मुझे। जी, हमने 7 स्टेट्स कवर किए हैं एंड 2 यूनियन टेरिटरीज की है। 7 स्टेट जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड चंडीगढ़। तकरीबन हमने 5000 किलोमीटर भिलाई टू भिलाई इतना कवर किया है। ये यात्रा ऐसी थी कि ये 15 दिन की यात्रा थी एंड हर रोज़ कुछ किसी न किसी चीज़ का हमने एक्सट्रीम लेवल पे हमें सामना करना पड़ रहा था। पहले ही दिन जो थी ये राइड हम लोग की कंटिन्यूसली 3 दिन तक राइड चलने वाली थी। पहले ही दिन ऐसा हुआ कि रात को इतनी ठंड थी, टेम्परेचर इतना डाउन हो चुका था कि हम राइड कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल स्ट्रांग बने रहे एंड हम कंटिन्यूसली राइड करते रहे। फिर गाड़ियाँ ख़राब हुई, लैंड स्लाइड्स हुए, सो कुछ राइडर्स गिरे भी, क्योंकि ब्लैक आइस में राइड करना आसान नहीं होता। तो ब्लैक आइस में जो हम लोग यहाँ से 6 राइडर्स थे, उसमें से 6 में से 5 राइडर्स हम लोग गिरे ही हैं। सिर्फ एक ही राइडर था जो नहीं गिरा, बाकी जो 3 राइडर्स रांची से थे उसमें से भी 2 राइडर्स वो वहाँ ब्लैक आइस में गिरे हैं। बहरहाल अपनी ये जागरूकता यात्रा नम्रता आगे भी जारी रखने की बातें कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।